उधर ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की जान चली गई है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय मां और बेटी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतका का नाम बीना शर्मा है और 3 साल की उसकी मासूम बच्ची है। मृतका के पति भी 1 साल पहले ही इसी तरह ट्रेन से कटकर मर चुके हैं, जिसके बाद से ही वीना वर्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसा उसके पिता ने ही बताया है। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाइट ड्यूटी में सर्विस करता हूँ, ये टेम्पी बटालियन एनसीसी ऑफिस में चौकीदार के पद पर हूँ। तो मैं अभी 9 बजे आया हूँ, 9 बजे यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई थी, बच्चे मेरे दोनों यहाँ पर रो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या बात है। जानकारी मिली कि मेरी बच्ची जैसी मतलब रेलवे लाइन पे आगे खत्म हो गई। नहीं, हत्या का नहीं लगता है मुझे, हत्या नहीं, वो मेंटली थी। कभी कभी कईयों बार वो भाग दिया, भाग देती थी, कईयों बार हमने उसको पकड़ा भी, पकड़ के घर में ले आए। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी, इसके पिता के द्वारा बताया गया है। इसका मानसिक चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आज सुबह 8 बजे तक घर पे थी, 8 बजे कर यहाँ पर आई है।